अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। रुपए में लगातार आ रही गिरावट और विदेशी मुद्रा भंडार को हो रहे नुकसान के बीच सरकार ने शुक्रवार को कई अहम फैसले लिए। सरकार ने सोने की डिमांड पर लगाम लगाने के लिए इसके आयात पर शुल्क को बढ़ा दिया है। इसके साथ ही सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन के निर्यात पर भी टैक्स बढ़ाने का फैसला किया है। ताजा फैसले के बाद देश में सोने की कीमतें बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर डीजल, पेट्रोल और एटीएफ की कीमतें नियंत्रित रखने में मदद मिलने की भी उम्मीद की जा रही है। दरअसल सरकार ने सोने के आयात पर बेसिक इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर 12.5% कर दिया है। इससे पहले इसकी दर 7.5% थी। एक आधिकारिक नोटिफिकेशन में इसकी जानकारी दी गई है और आपको बता दें कि भारत सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत को ज्यादातर सोना आयात करना पड़ता है। कच्चा तेल के बाद अब सोना भारत के इंपोर्ट बिल के सबसे बड़े कंपोनेंट में से एक है। अगर इस फैसले से सोने की डिमांड कम होती है तो ये अंततः रुपए को बचाने में मददगार साबित हो सकता है। वहीं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार पिछले साल भारत में सोने की मांग में तेजी देखने को मिली थी। महामारी के दौरान भले ही इसकी डिमांड कम हुई थी, लेकिन बाद में लोग सोने की खरीदारी बढ़ाने लग गए। भारत में वैसे ही सोने को न सिर्फ निवेश और बचत का माध्यम माना जाता है, बल्कि इसके पारंपरिक महत्व भी हैं। लोग त्योहारों पर भी सोने की खरीदारी करते हैं। इसके अलावा शादी के सीजन में खासकर ग्रामीण भारत में सोने की डिमांड शिखर पर पहुंच जाती है। साल 2021 के आंकड़ों को देखें तो भारत का सोना आयात एक दशक के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।